नहीं तो हम लोग तारे चप्पल रह जाते और आप ही लोग के छोटा छोटा लोन से इतना बड़ा सर हो गए। हम लोग के पास कुछ नहीं था तो हम लोग विचार किए तो CPSL और रोजी रोटी एक संस्था बनाए। अच्छा इसलिए है कि गरीब लोग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, गरीब लोग के जीव का उपार्जन हो रहा है सर, छोटा छोटा काम की पूर्ति किया जा रहा है, तो बीमारी डिलीवरी राशन की राशन तेल सब चीज के लिए हम लोग सहयोग दे रहे हैं। सब सदस्यों के फायदा है, सब सदस्य कहत कि सब हम दूसरा में से ले ही लोन तो 8 दिन पर इतना गच्छ देते इतना हमें देवे पड़ है आ पैसा न रह है आई समूह बनाव ही तो हम अपन एक बार ले लही 1,000 ले लही तो 100-100 रुपया 50 रुपया करके अपन जमा करित रहे। समूह में ये अच्छा हमको लगता है कि मैंने लेते हैं तो एक बार देना नहीं पड़ता है, कभी सूद कटाए कभी मूलधन कटाए 10 करके कभी 20 कर हुआ नहीं पैसा वैसा है तो 1-1 रुपये जितना सदस्य का जरूरत है घर में पैसा है उतना ही लौटाती है, जिस किसी दिन उनको एक पैसा नहीं रहने पर 1 रुपया भी लौटाती है। मेरा घर भी नहीं था जिस समय इसमें जुटे हुए थे उस समय मैं खाने के लिए भी नहीं मिलता था, 3,000 से मेरा खेत 3 कट्ठा रखा था वो छोड़ाए तो फिर लिए तो एक ठो जानवर ले लिए। मेरा एक ठो और जमीन लिया जाता थोड़ा सा तो जानवर निकालने के लिए एनिमल के लिए हो जाता सर, बांधने के लिए, और क्योंकि इसी में रहता है तो खराब लगता है सर। और जैसे पहले हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय थी, पहले हम बांस गाड़ करके कपड़ा से साड़ी से तान तान के रहती थी, उसके बाद हम जब छोटकी कोपा में गई, हमारी एक सुनीता मामी लगती हैं संपर्क की हैं उनके पास गए तो वहाँ ग्रुप देखे कि बना हुआ है तो हम उनसे बोले कि मामी हमको भी ये ग्रुप में जोड़ लीजिए, तो वो बोली कि तो जुट जाए और का, उसके बाद हम 5,000 रुपया लिए उन ग्रुप से, ग्रुप का नाम मेरा पूजा है, 1150 कोड है नंबर है, और पैसा ले करके फिर हम घर का राशन उशन लाए, उसके बाद फिर बाल दूसरा बार हम लोन लिए तो मेरा बच्चा बीमार था उसमें पैसा खर्च हुआ, फिर तीसरा बार हमने लोन लिए तो सोचे कि करकट के लिए लोन लिए थे कि पानी उनी बारिश उरिश आता है तो बहुत दिक्कत होता है, तब हम बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे, घर नहीं बनाने के कारण है कि शिक्षा दे रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई में खर्च होता है ना, नहीं नहीं खत्म कैसे करेंगे और विकास का काम होगा ना। बहुत माने के दिक्कत मजबूरी था तो वहाँ से हम चल आए, यहाँ किराए पर रहते थे वहाँ भी, यहाँ लूट के भी बनाए अपना मजबूरी से, फिर इसमें जुटे समूह में, जुटने के बाद इनसे पैसा लिए, दोबारा लोन लिए तो फिर मैंने अंडा का रोजगार किया, ज़मीन उमीन में थोड़ा पैसा घट रहा था तो फिर पैसा इनसे लिए, बोल रहे हैं कि हम लोग मैंने अपना गरीबी में समूह में जुटे लोन लिए, लेकर कुछ कुछ काम किया और ज़मीन उमीन लिया, फिर उसको बनाना हम लोग चाह रहे हैं कि अपना घर में मैंने बना लेते रहेंगे, अपना घर होना चाहिए, सरकारी ज़मीन आज है कल हट जाएंगे क्या करेंगे, भगा देगा वो तो क्या करेंगे, अपना ये ज़मीन में घर बना के न रहेंगे, ये है तो ये तो अपना ये तो नहीं ना कोई निकालेगा, आखिर कुछ लोन मिलेगा हम लोग के मदद मिलेगा तब न बनाएंगे, रोड पर रहेंगे। तो गांव के लोग हमको नहीं पहचानते थे, नहीं पहचानते थे तो ये बोले कि हम छोटकी पुतो है से समूह में काम कर लागे अब का गेला खेत से
अथी तू लोग समूह बनब हूँ, ये जमीन बिक रही थी तो पैसा मेरे पास एक रुपया नहीं था, कुछ पैसा नहीं था, तो समूह से लेकर 15,000 रुपया 15,000 में ये जमीन हम लिए हैं आधा कट्ठा। पहले सर ऐसा स्थिति था कि गेहूँ करते थे धान करते, हमको कुछ करने नहीं आता था। इससे इसको मौका मिला है काम करने के लिए, हम भी इसमें काम हाथ बटाते हैं करते हैं। क्या फ़ायदा हुआ कि हम लोग के घर नहीं था तो घर बना, गाड़ी नहीं था गाड़ी मिला चढ़ने के लिए, और भैंस खेती उती कर लेते हैं और लड़का को पढ़ाते हैं। इनका संस्था से हमें माहौल का बहुत इंक्रीज हुआ, बहुत विकास हुआ, मतलब यहाँ के माहौल भी थोड़ा सा डेवलप नहीं था, लेकिन ये जब से संस्था में काम करने लगी, जब से अगल बगल का माहौल वातावरण सब सब तरह से अच्छा रहा। पहला फायदा हुआ कि जो बाहर हम निकले, दूसरा फायदा हुआ कि मेरा हम लोग का किरासन तेल और राशन तेल नहीं छूटता था, वो हम लोग को छूट रहा है, समय से मिल रहा है सर। पहले हमारा एकदम मिट्टी का घर था, टूटा हुआ घर था, अभी भी है वो पुराना घर मेरा जो पहले का था वो अभी है, मेरा छत बन गया सर, मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है सर। बहुत पहले मतलब हम लोग का दिक्कत रहता था, मतलब बहुत गरीबी था। जब यहाँ समूह बना ना तो मौसी है तो यहाँ पर बना लेते, तो हम सोचे कि हमको भी जानकारी हुआ तो हम भी बनाए समूह। सर ये समूह से बहुत हमको फ़ायदा हुआ, जैसे जो जैसे स्थिति पहले था, हम लोग बहुत हमारा लड़कन से बहुत तबीयत खराब रहता था, ये सब लोग के पैसा के लिए मतलब बहुत हम लोग मोहताज रहते थे, लेकिन अब सर नहीं, समूह में जैसे जुट गए ना तो हमको सारा स्थिति मतलब हल हो गया बहुत, अब सब अच्छा बिल्कुल दम रहता है सब, मतलब ये सब बड़ा भी हो गया। मेरे घर भी एक सिंगल था सर, रहने के लिए या सोने के हर काम के लिए सोचने पड़ता था, लेकिन देखिए समूह में जुटने के बाद हम घर उर सब चीज़ बना लिए, मतलब हर स्थिति में मतलब हम लोग का सुधार है। नहीं सर हमको कोई फर्क नहीं बुझाता है सर, हो चाहे कोई भी कहीं काम करते हैं तो दम बिल्कुल हम सही से करते हैं सर, खुला कोई मतलब टेंशन नहीं है कि मतलब वो हिंदू है या हम मुस्लिम है। काले समूह चलते हैं भैया महिला संगठन, हम लोग के बहुत दिक्कत था भैया, हम लोग के भैया आए हैं तो बहुत छाँह कर रहे हैं कि हम लोग के पैसा ला बावन भी जाते हैं भुनिहार भी कमा करके। भैया हम लोग सब ग्रामीण बैठ के संगठन तैयारी किए, तो संगठन के तैयारी करके हम लोग महिला एक मजबूत हुए। वही बीच में हम लोग के भैया आ गए, भेंट हो गया हम लोग के, तो कहा कि ऐसा ऐसा काम है महिला संगठन के, आपको संभावना है तो आप दीदी लोग रह जाइए, तो हम लोग के भैया के कहें लोग के विचार है हम संगठन चलाएंगे। आज लोग हमको बेटा की स्टैंड हो गया तो हम लोग के कहा कि आज अभी पैसा नहीं है, 10 दिन के बाद ले जाइए, आज संगठन नहीं बनाते भैया। दिक्कत यह था कि हर घर ने हर बहन को बिरामी हरामी पढ़ते उड़ते थे, स्कूल भेजने उजने के पैसा वैसा ताव पर नहीं रहता था। हाँ समूह बनने से समस्या खत्म है। इसी के मदद से हम लोग इतना से इतना आ गए, और आप लोग का भी धन्यवाद रहेगा तो सर उपना से इतना बड़ा हो जाएगा।